मथुरा से आ रही एक चौंका देने वाली खबर, हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का हुआ है पर्दाफाश। मथुरा पुलिस ने लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर ठगने वाले एक गिरोह का पता लगाकर उस गिरोह के 6 सदस्यों सहित एक युवती को गिरफ्तार किया है। SSP शैलेश पांडे के अनुसार प्रतिदिन की जाने वाली जन सुनवाई में थाना हाथरस के सिकंदरा राव क्षेत्र निवासी वादी ने अपने साथ हुई ठगी की घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके अनुसार आरोपियों अजीत, राजेश, विष्णु, ऋतिक तथा 2 युवतियों द्वारा वादी को हनी ट्रैप में फंसाकर एक कमरे में बुलाया गया, जहां आरोपियों ने वादी को बंधक बनाकर जबरन पेटीएम के माध्यम से 93,500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करा दिया, उसका मोबाइल छीन लिया, उसके साथ मारपीट की तथा उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 60,000 और रुपयों की मांग की गई। जांच के बाद SSP के निर्देश पर इस ठगी के खुलासे के लिए पुलिस की 3 टीमों को लगाया गया। इस टीम में पुलिस की साइबर सेल, सर्विलांस की स्वाट टीम तथा सदर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 7 साइबर अपराधियों को थाना महावन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी किए गए 93,500 रुपये, घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन, 1 4-पहिया गाड़ी, 1 मोटरसाइकिल तथा 1 स्कूटी, फर्जी आधार कार्ड व 1 ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया है।